हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिलेक्शन मेंटोर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ी अलग टाइप की पजल सॉल्व करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की पजल, जहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में होंगे, जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस भी इसी के अंदर हैं और जो पर्टिकुलर मेरे पास में इंफॉर्मेशन होती है वो भी इसी के अंदर गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है वो बहुत बेसिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें, कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक 8 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर पर्सन हैं ये सब एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, सेंटर की तरफ देखते हुए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे जाके थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा पर्टिकुलर किस एज की बात किसके लिए की जा रही है। तो हर पर्टिकुलर पर्सन को एक डिफरेंट एज दी हुई है और साथ ही साथ में वो कुछ अलग अलग डिफरेंट बैंक्स में काम भी करते हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक तो आपके पास में बैंक्स हैं, एक पर्सन के नाम हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पर्सन की एज है। जो नाम है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किए, जैसे जैसे कंडीशन आएंगी वैसे वैसे नाम हमें पता चलते जाएंगे। तो चलिए उसके बाद से मेरे हिसाब से अब डायरेक्टली कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि दिया हुआ है द वन हु वर्क इन पीएनबी, जो पर्टिकुलर व्यक्ति पीएनबी में काम करता है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो जब सेंटर की तरफ हैं तो हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, अगर मैं इसके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो इसके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले मुझे पीएनबी की कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करूंगा कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे 8 लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि हमें परेशान करे। ठीक है, तो चलिए क्या बोला गया है, द वन हु वर्क इन पीएनबी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक। इसका मतलब माइक के सेकंड टू द लेफ्ट पीएनबी है, तो मैं माइक को नीचे की तरफ बैठा देता हूं, यहां से मेरी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने माइक को बैठाया, अगर मैं यहां माइक को बैठाता हूं तो उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, पीएनबी। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं पीएनबी को, ये मेरे पास पीएनबी मेंशन हो गया। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो देखो सेकंड कंडीशन यहाँ दी हुई है, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई कि द वन हु वर्क इन पीएनबी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक। माइक के साथ में हु लगा हुआ है, इसका मतलब ये हु माइक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइक हु वर्क इन बीओबी, तो यहां से मुझे एक चीज और क्लियर हो गई कि ये जो माइक है हमारे पास में ये बीओबी के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक और कंडीशन मिल गई है यहीं की यहीं। आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास में यह दिया हुआ है बीओबी की कंडीशन के बाद में, द एज ऑफ द वन हु वर्क इन पीएनबी इज नॉट 36, मतलब पीएनबी की जो एज है वो 36 नहीं है। तो मैं यहाँ इधर अलग से मेंशन कर लेता हूँ कि अगर ये पीएनबी है तो इसकी एज कितनी नहीं दी हुई है, 36 नहीं है। तो थोड़ा सा इसको बात को दिमाग में रखना कि ये 36 ईयर्स का नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो माया की बात की जा रही है, माया नाइदर सिट एडजेसेंट टू द वन हुज एज इज 31 ईयर। ठीक है, माया उसके आसपास नहीं बैठी जिसकी की एज 31 ईयर है, नॉट द सिट एडजेसेंट टू द वन हु वर्क इन पीएनबी। तो माया ना तो पीएनबी के पास है और ना ही माया किसके पास बैठी हुई है, जिसकी एज 31 है। अब कोई अगर एक रिलेशन मुझे यहां से मिल जाए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे माया की बात की जा रही है और किस किस की बात कर रहा है, 31 और पीएनबी, इनके पास में वो नहीं बैठी। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एज ऑफ सैम इज नाइदर 56 नॉर वर्क इन यूबीआई। तो यहां पे मैं किसके लिए बात कर लेता हूँ, सैम की, कि ये जो सैम पर्टिकुलर पर्सन है ये तो ना तो 56 ईयर्स का है, ठीक है, और ना ही ये वर्क करता है यूबीआई में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, द वन हु वर्क इन यूबीआई सिट इमीडिएट राइट टू द वन हु वर्क इन आईसीआईसीआई। तो क्या बोल रहा है, यूबीआई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आईसीआईसी वाला। तो यूबीआई के इमीडिएट राइट में, यहां मैं कंडीशन लिख लेता हूं कि यूबीआई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, आईसीआईसीआई। ठीक है, ये मेरे पास में क्लियर हो गई होगी यहां तक बात। आगे चलते हैं, देखो हुज एज इज हमें नहीं पता, जब पजल पूरी हो जाएगी तो हुज एज हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एज ऑफ द वन हु वर्क इन बीओबी इज 31 ईयर। अभी देखो यहां से कुछ क्लियर हुआ कि बीओबी वाले की जो एज है वो 31 है और 31 के ऊपर एक कंडीशन आई थी नाइदर नॉर की। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मैं बता
माइक है वो माइक 31 ईयर्स का क्या है यहाँ पे, ये आ जाएगी वैल्यू 31, ठीक है। तो 31 ईयर हो गई हमारे पास में यहां तक। अब हम आगे बात करते हैं, तो अगर हम आगे बात करें तो देखो यहां पे वापस ऊपर चलते हैं। माया की बात की गई थी कि माया नीदर सिट एडजस्टेंट टू द वन हुज एज इज 31 नॉर सिट एडजस्टेंट टू द वन हुज वर्क इन पीएनबी। यहां तक क्लियर है। अब देखो माइक और पीएनबी, इनके आसपास माया नहीं है, तो माया इन चार जगहों पे नहीं बैठ सकती, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो माया के लिए तीन ही जगह बसती हैं, ठीक है। तो जो तीन जगह बसती है हम उनको यहाँ पे बैठा लेते हैं, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होता जाएगा, टफ होता जाएगा। तो पहली कंडीशन में मैंने माया को कहाँ बैठाया, मैं पहली कंडीशन में माया को यहाँ बैठा रहा हूँ, ठीक है। अगर माया यहाँ पे बैठती है पहली कंडीशन के अंदर, तो ये हो गया माया, ठीक है। अब मैं एक दूसरा डायग्राम और बनाऊंगा जिस डायग्राम के अंदर मैं माया को सेकेंड प्लेस पे बैठाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक सेकंड डायग्राम आया, क्योंकि अब नीड थी मुझे सेकंड डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे माइक आ गया मेरे पास में। माइक कौन सी बैंक में काम करता है, बॉब बैंक में काम करता है, ठीक है। और कितने इयर्स का है, ये 31 इयर्स का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या वर्क कर दिया, यहाँ पे पीएनबी आ गया, ठीक है। पीएनबी की कंडीशन आ गई यहाँ पे, और माया आपकी बार यहाँ ना आकर के मैंने कहाँ बैठा दिया माया को, ये मेरे पास में माया आ गया, ठीक है। और एक थर्ड डायग्राम मुझे और बनाना है जिसमें माया कहाँ जाएगा, यस बिल्कुल सही, टॉप पे, टॉप पे कौन चला जाएगा, माया, ताकि मेरे पास जो केसेस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे धीरे धीरे करके जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती जा रही है, तो मेरे को अपनी कंडीशंस को मिनिमाइज करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो माइक कौन सी बैंक में काम करता है, बीओबी में, 31 इयर्स का है वो, ठीक है। यहां कौन आ जाएगा, माया, ठीक है। ये कौन आ जाएगा मेरे पास में, पीएनबी। यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो ये बेसिक डायग्राम्स मैंने अपने तैयार कर लिए हैं, जो जो भी बेसिक डायग्राम मेरे पास में बन रहे हैं वो तीनों बेसिक डायग्राम मैं तैयार कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला केस क्या बोल रहा है यहाँ पे, 31 ईयर हो गया, उसके बाद क्या बोला है, एंड किसके लिए आया है, बॉब के लिए। एज ऑफ क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ द वन हु वर्क इन बॉब इज 31 ईयर्स एंड सिट, मतलब कौन, बॉब जो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है वो, सिट एट अ गैप ऑफ 2% फ्रॉम द वन हु वर्क इन यूबीआई, ठीक है। कितने गैप पे बैठा है, दो के गैप पे बैठा है, किससे, यूबीआई वाले से, कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला यूबीआई से दो के गैप पे बैठा हुआ है, तो देखो अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो दो के गैप से यूबीआई यहां भी आ सकता है, ठीक है, और दो के गैप से यूबीआई यहां भी आ सकता है। तो इस डायग्राम के दो डायग्राम बनेंगे, इसको अभी होल्ड पे डालते हैं। इसमें बात करें तो दो के गैप से यहां यूबीआई आ सकता है बिल्कुल, और यहां पे भी यूबीआई आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हम बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दो के गैप से यहां पे भी यूबीआई आ सकता है, और दो के गैप से यहां भी यूबीआई आ सकता है, क्योंकि हम बैंक की बात कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। तो इन तीन के टोटल कितने डायग्राम बन गए, 6 डायग्राम बन गए। तो अभी मेरे को होल्ड करना है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं इनके 6 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द पर्सन सिट बिटवीन टॉम एंड द वन हु वर्क इन आईसीआईसीआई, वन पर्सन काम करता है, ठीक है, बीच के टॉम और आईसीआईसीआई, अभी तक इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एज ऑफ द वन हु वर्क इन पीएनबी इज, ये भी हमें नहीं पता। अब ये चेक कर लो क्या आगे वाली किसी भी कंडीशन में जो जो भी हमने दिखाया है उसमें से कुछ है, तो यहां से यहां तक मेरे पास में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो हम माया, माइक, बॉब या पीएनबी या यूबीआई से जुड़ा हुआ हो। देखो यहां तक आप पूरी कंडीशन एक बार आंखों से स्कैन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर कहीं दिखता है तो हम उसको तुरंत कैच करेंगे, नहीं दिख रहा इसका मतलब मुझे ये 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं इन 6 डायग्राम को क्रिएट करूंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिएगा, तो मैं उस स्पेस को क्रिएट कर रहा हूं। और ये तीन डायग्राम, इसके दो डायग्राम बनेंगे, तो मैं ये दो डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, ये फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए, और ये थर्ड वाले के लिए। यहां तक मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में 6 डायग्राम हो गए। देखो क्वेश्चन जब अच्छा होता है तो डायग्राम बनाने में हमें बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छा है इसका मतलब वो सबके लिए अच्छा है, और अगर आपने उसको सॉल्व करने में 10 मिनट भी लगाए हैं या 15 मिनट भी लगाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बाकी एग्जाम, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास में पीएनबी हो गया, ठीक है, ये मेरे पास में माया हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास में माइक हो गया, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। अब मुझे माइक के लिए कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 31 यहां मैं बात करूं तो वापस से ये माइक है, ये तो कॉमन है, इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बॉब में काम करता है और ये 31 ईयर्स का है, ठीक है। यहां तक मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वाले डायग्राम में भी माइक के साथ मुझे कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ये बॉब में काम करता है और 31 का है। छेड़खानी कहाँ करनी है, अब करेंगे। देखो इस वाले डायग्राम में ये पीएनबी है, मुझे पता है इसको भी नहीं छेड़ना है, मुझे ये पीएनबी है, इसको भी नहीं छेड़ना है, ये पीएनबी, क्योंकि पूरा खेल माया के ऊपर चल रहा है,
ठीक है, इसमें माया आ गई, ये माया यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और इस वाले में माया यहां पे आ जाएगा। अब देखो, अब केस क्या बन रहा है, उस केस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो केस क्या बन रहा है यहां पे, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी बीओबी और द वन, दो जनों का, दो पर्सन है किसके बीच में, बीओबी और यूबीआई के बीच में, ठीक है, बीओबी और यूबीआई के बीच में दो पर्सन है। तो बीओबी सारे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से सब डायग्राम में अगर आपको बीओबी दिख रहा है तो बीओबी और यूबीआई, तो इस वाले डायग्राम में मैं दो के गैप से यूबीआई को यहां ले रहा हूं, बैंक जो यूबीआई का है उसको मैंने यहां ले लिया, ठीक है। तो अगर यहां इस वाले डायग्राम में ले, तो इस वाले डायग्राम में यूबीआई को यहां भेजना पड़ेगा, तो ये यूबीआई आ गया, ठीक है। इस वाले डायग्राम की बात करूं तो इस वाले डायग्राम में भी यही होगा, दो के गैप से बॉब और यूबीआई, लेकिन अब की बार माया के साथ आ गया, ठीक है, और इस वाले डायग्राम में वापस से अलग यूबीआई आ गया, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जाएगी। इस वाले डायग्राम में भी सिंगल आएगा यूबीआई यहां पे, और इस वाले डायग्राम में सिंगल यूबीआई यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो यूबीआई की कंडीशन क्लियर हो गई, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे मेरे पास जो केस है वो मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अब मैं आगे चलता हूं। द वन पर्सन सिट बिटवीन टॉम एंड द वन हु वर्क इन आईसीआईसीआई, जो आईसीआईसीआई में काम करता है और जो टॉम है उनके बीच में एक व्यक्ति है। यहां तक की बात क्लियर है, एक व्यक्ति है टॉम और आईसीआईसी के बीच में। तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूं क्या मैं टॉम और आईसीआईसी वाली कंडीशन बना सकता हूं। अगर मैं टॉम और आईसीआईसी वाली कंडीशन बना पा रहा हूं तो मैं इसको आगे कंसीडर करता जाऊंगा, टॉम और आईसीआईसीआई। देखो पहले वाले डायग्राम में अगर मैं टॉम और आईसीआईसी के बीच में एक व्यक्ति है तो मैं उसको रखने की कोशिश करता हूं यहां पे। देखो माया की एक केस मुझे यहां दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये दिख रहा, माया वर्क इन कहां पे मुझे नहीं पता, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन, वो सेकंड टू द राइट है किसके, एचडीएफसी के। तो माया एचडीएफसी के सेकंड राइट है, तो मेरे पास माया सब जगह है, ठीक है, तो माया एचडीएफसी के सेकंड राइट है और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो एचडीएफसी कहां बनाना पड़ेगा कि माया उसके राइट हो जाए, तो सेकंड टू द राइट बोला गया है ना। देखो अगर आप चेक करोगे तो माया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन एचडीएफसी। तो देखो अगर मैं एचडीएफसी को यहां बैठाऊंगा तब जाके उसके सेकंड टू द राइट माया हो पाएगी। इसका मतलब मेरा ये जो डायग्राम है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, माया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन एचडीएफसी, तो यहां पे ये बॉब में काम कर रहा है, इसके सेकंड टू द राइट माया, तो ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम भी अभी तक सही है, एक ये डायग्राम भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे भी तो मेरे पास दो डायग्राम तो वैसे ही कट गए। अब चार डायग्राम बचे, इन चार डायग्राम में मेरे को पूरा गेम खेलना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सेकंड टू द राइट है माया किसके, एचडीएफसी के। तो यहां पे अगर मैं एचडीएफसी रख देता हूं, एचडीएफसी, तो उसके सेकंड टू द राइट, यही बोला है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन एचडीएफसी कौन है, माया आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब मैं यहां पे माया की बात करता हूं तो इस वाले केस में एचडीएफसी को यहां होना पड़ेगा, तभी माया आपके पास में टॉप पे पहुंच पाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे अगर मेरे को माया यहां रखना है तो मुझे एचडीएफसी को यहां रखना पड़ेगा, तो मैंने एचडीएफसी को यहां रखा तो उसके सेकंड टू द राइट में माया, और यहां रखना है तो अगेन सेम कंडीशन आ जाएगी, यहां पे मुझे एचडीएफसी को रखना पड़ेगा। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर है, चार डायग्राम है, ठीक है, और इन दोनों डायग्राम को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, आगे मुझे अगर नीड पड़ेगी तो मैं इन्हीं डायग्राम को एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहां तक की बात मुझे क्लियर है, आगे एक और कंडीशन पढ़ के देख लेते हैं कोई क्या कुछ मिल रहा है मुझे। द वन हु वर्क इन एसबीआई सिट इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया हु नाइदर वर्क इन एचडीएफसी, इसको मैं उठा सकता हूं। प्रिया जो कि एचडीएफसी में काम नहीं करती, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, एसबीआई, ठीक है। प्रिया एचडीएफसी में काम नहीं करती तो प्रिया यहां नहीं आएगी, इसको छोड़ दें, यहां से बात करें तो ऐसे चलेंगे हम, यहां पे प्रिया नहीं है, यहां प्रिया है, और प्रिया के इमीडिएट राइट, एसबीआई सिट इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, अगर मैं यहां पे प्रिया को नहीं रख सकता, यहां रखता हूं, उसके इमीडिएट राइट में ये एसबीआई नहीं हो सकता क्योंकि ये यूबीआई है, ये प्रिया हो नहीं सकता, ये प्रिया नहीं है, ये प्रिया नहीं है, ये प्रिया नहीं है। अगर मैं इसको प्रिया बनाता हूं तो उसके इमीडिएट राइट में यहां कौन आ सकता है, एसबीआई, बिल्कुल। अगर मैं इसको प्रिया बनाता हूं तो ये एसबीआई नहीं हो सकता क्योंकि ये पीएनबी है। अगर मैं इसको प्रिया बनाता हूं तो ये आपके पास में एसबीआई हो सकता है, और अगर मैं इसको प्रिया बनाता हूं तो ये आपके पास में एसबीआई नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रिया और एसबीआई के कॉम्बिनेशन के लिए केवल हमारे पास में दो कंडीशन है, और पढ़ते हैं, प्रिया हु नाइदर वर्क इन एचडीएफसी नॉर हर एज इज 42, ना तो उसकी एज 42 है और ना ही वो एचडीएफसी में काम करती है। तो इसका मतलब प्रिया दो केसेस में आ सकती है, कि प्रिया को अगर मैं यहां बैठा देता हूं तो ये एसबीआई आ जाएगा, और एक मैं प्रिया को यदि यहां बैठा देता हूं तो ये एसबीआई आ जाएगा, ठीक है। ये यहां हो रहा है तो ये चीज यहां पे भी होगी, ठीक है। अगर मैं प्रिया की बात करता हूं तो प्रिया यहां नहीं आ सकती, प्रिया यहां नहीं, यहां पे अगर मैं प्रिया को बैठाता हूं तो यहां एसबीआई आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां प्रिया को बैठाता हूं, यहां एसबीआई नहीं आ सकता, और यहां प्रिया को बैठाता हूं, तो दो केस बन गए, एक तो ये वाला केस बन गया यहां पे, और एक ये वाला केस बन गया। यहां पे दो केस बन गए, एक तो केस ये वाला बन गया और एक केस ये वाला बन गया, ठीक है। मैं बनाऊंगा इनको, अभी रुक जाइए, आगे हम कंडीशन और क्लियर कर लेते हैं, कुछ अगर हमें मिल जाए तो यहां पे
देखो एज ऑफ इज 39 एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन एसबीआई, हमें नहीं पता ये कौन है पर 39 उसकी एज जरूर है, इतना हमें पता है। आगे मुझे कुछ दिख रहा है? मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मुझे अब इसी कंडीशन को आगे फॉलो करते हुए बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने इस डायग्राम को रब कर देता हूँ, और जब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटाऊंगा तो कंडीशन मेरे पास में थोड़ी जगह बचेगी ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए एक नीचे वाला डायग्राम भी हम रब कर देते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, अब मेरे पास स्पेस आ गया, अब मैं बना सकता हूं मेरे पास में जो कंडीशन बन रही है उसको। ठीक है, चलिए यहां पे इस वाले डायग्राम की दो कंडीशन है, मैंने ये डायग्राम बना लिया है यहां पे, और इस वाले डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं, देखिए प्रिया कहां कहां आ सकती है, मैं देख लेता हूं एक बार। तो प्रिया एचडीएफसी में नहीं है तो यहां नहीं आ सकती, ये प्रिया है तो ये एसबीआई हो सकता है, ये प्रिया हो नहीं सकता, ये प्रिया हो नहीं सकता क्योंकि ये एसबीआई नहीं हो सकता, ये प्रिया है तो ये एसबीआई है। ठीक है, और ये प्रिया हो नहीं सकता, तो इस वाले केस में भी बन रहा है, और इस वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रिया हो नहीं सकता, ये प्रिया तो ये एसबीआई, ये प्रिया तो ये एसबीआई हो नहीं सकता, ये प्रिया तो ये एसबीआई। तो टोटल मेरे पास में दो डायग्राम इसके और बनेंगे और दो इसके और बनेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका बना लेते हैं। यहां पर अगर मैं इस डायग्राम को बनाता हूं तो ये मेरे पास में कंडीशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे पीएनबी आ गया, गौर से देखते चलना। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31, ठीक है, ये एचडीएफसी, ठीक है, ये मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये माया, ये यूबीआई। ठीक है, ये दो डायग्राम बन गए, दो केस आ जाएंगे। इसकी बात करूँ तो इस वाले डायग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, इस वाले डायग्राम के अंदर हमारे पास में यहाँ पे माइक आ जाएगा, नीचे माइक के पास में आ जाएगा बीओबी 31, यहाँ आ जाएगा एचडीएफसी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माया, यहाँ आ जाएगा यूबीआई। ठीक है, तो मेरे पास में ये चार केस इसके बन गए, और इसके जो केसेस हैं अभी हम इसको होल्ड पे डालते हैं, नीचे की तरफ इसके केस भी हम क्रिएट करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में दो केस बन रहे थे, प्रिया यहाँ पे नहीं आ सकती, अगर प्रिया यहाँ आ जाती है तो यहाँ पे एसबीआई आ जाएगा, तो मैं यहाँ प्रिया को बैठा देता हूँ। अगर प्रिया यहाँ पे है तो उसके इमीडिएट राइट में, यही बोला था ना, प्रिया एसबीआई इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। ठीक है, अगर ये प्रिया है तो ये एसबीआई आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रिया है तो ये एसबीआई आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इस वाले केस की बात करते हैं, इस वाले में भी दो थे, यहाँ प्रिया तो ये एसबीआई, तो अगर ये प्रिया है तो ये एस बी आई। ठीक है, और यहाँ प्रिया आता है तो हो नहीं सकता, यहाँ प्रिया आता है तो हो नहीं सकता, यहाँ प्रिया आता है तो ये एस बी आई, तो ये हमने पी एन बी लिखाई था यहाँ पे, यही वाला पी एन बी उतार दिया हमने। ये अगर प्रिया है तो ये क्या हो जाएगा, एस बी आई। बात क्लियर हो रही है? तो चार डायग्राम बन गए इसके। इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रिया एस बी आई हो नहीं सकता, तो एक केस तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दो नीचे बना दूंगा। ठीक है, चलिए इसका काम कंप्लीट हो गया हमारे पास में, यहां तक का काम हमारे पास में कंप्लीट हो गया। इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, दो दो डायग्राम मैं यहां क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को कंडीशंस की नीड है अभी। ठीक है, ये बन गए दो डायग्राम, ये इस साइड वाले दो डायग्राम है। ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम की बात करूं तो ये माइक हो ही गया हमारे पास में, माइक आ गया, माइक के पास में कौन आ गया, बॉब आ गया, और बॉब के साथ में 31 आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये एचडीएफसी आ गया। ठीक है, और यदि मैं आगे बात करूं तो इधर यूबीआई और माया आ गया, ये माया आ गया, ये यूबीआई आ गया। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं तो ये पीएनबी आ गया, ऊपर वाला डायग्राम बन गया। ठीक है, और इस वाले डायग्राम को बनाना है तो ये डायग्राम भी हम बना लेते हैं, ये आपके पास में माइक आ गया, ये बीओबी आ गया, ये 31 आ गया। ठीक है, ये एचडीएफसी आ गया, ये माया आ गया, ये यूबीआई आ गया, और ये पीएनबी आ गया। ठीक है, अब बस इसको बनाना शुरू कर दो। पहला केस अगर मैं यहाँ उठाता हूँ इस वाले में, तो प्रिया यहाँ पे अगर होती है तो ये एसबीआई नहीं होता, प्रिया यहाँ पे होती है तो ये एसबीआई नहीं होता, प्रिया यहाँ होती है तो ये एसबीआई हो जाएगा, तो इसको प्रिया कर देते थोड़ी देर के लिए, ये प्रिया तो ये एसबीआई। ठीक है, और प्रिया यहाँ तो एसबीआई यहाँ नहीं आ सकती, प्रिया यहाँ तो एसबीआई है, प्रिया यहाँ तो एसबीआई, तो इसको यहाँ कर देते हैं हम कि ये क्या है, प्रिया। गौर से देखते चलना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है। ठीक है, और इस वाले केस की बात कर रहा हूं तो प्रिया नहीं हो सकता, प्रिया एच डी एफ सी है नहीं, प्रिया तो यहाँ पे अगर मेरे पास प्रिया है तो यहाँ एस बी आई आ गया। ठीक है, यहाँ प्रिया तो ये एस बी आई नहीं, यहाँ प्रिया तो ये एस बी आई, तो एक प्रिया यहाँ पे आ गया तो ये एस बी आई हो गया। ठीक है,
तो टोटल मेरे पास कितने, दो और दो चार और चार आठ डायग्राम हो गए। ठीक है, अब मैं इन हर पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर काम करने वाला हूँ। देखो यहाँ तक की कहानी मुझे क्लियर हो चुकी है, ये पूरी की पूरी कहानी मुझे क्लियर हो गई है। ठीक है, 42 वाला है, अभी हम 42 भी देख लेंगे। इसके ऊपर एक कंडीशन थी हमारे पास में, कौन सी कंडीशन थी, यहाँ तक की जब हमने बात पूरी कर ली थी कि 2% गैप बिटवीन यूबीआई एंड बॉब, जो हम कर चुके थे। अब आगे बात आई थी कि 1% सिट बिटवीन टॉम एंड आईसीआईसीआई। अच्छा, टॉम और आईसीआईसी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, उससे पहले एज की बात है, तो यहां से यहां तक देखो सब जगह एज की बात की जा रही है, 48 सिट टुगेदर। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं, अभी हम नहीं करेंगे इसको। तो अभी हम कहां पे आ जाते हैं, दोबारा हम आ जाते हैं यहां पे, जो हमारे पास दिया हुआ है कि 1% सिट बिटवीन टॉम एंड हु वर्क इन आईसीआईसीआई। टॉम और आईसीआईसी के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये टॉम हो नहीं सकता, टॉम और आईसीआईसी ये हो नहीं सकता, आईसीआईसी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो टॉम आईसीआईसी ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। टॉम ये नहीं हो सकता, टॉम अगर ये है तो आईसीआईसी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, टॉम अगर ये है तो आईसीआईसी ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, और टॉम इधर आता है तो आईसीआईसी ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दो केस हमारे पास में बन रहे हैं, तो अभी हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कंडीशन यदि मैं चेक करना चाहूं, तो अगली कंडीशन मैंने यहां तक पूरी कर ली है, तो आगे हम चेक कर लेते हैं यहां पे। एज ऑफ द वन हु वर्क इन पीएनबी इज नॉट 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और माया नाइदर सिट एडजेसेंट टू द वन, ठीक है, और एज ऑफ द सैम इज नाइदर 56 नॉर वर्क इन यूबीआई। तो सैम जो है वो 56 का भी नहीं है और वो यूबीआई में काम भी नहीं करता। ठीक है, द वन हु वर्क इन यूबीआई इज इमीडिएट राइट ऑफ आईसीआईसीआई। अच्छा, ये कंडीशन है, द वन हु वर्क इन यूबीआई सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क इन आईसीआईसी। ये कंडीशन अब हमें उससे मैच कराएगी। तो देखो यूबीआई इमीडिएट राइट है आईसीआईसी के, ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ। यूबीआई आईसीआईसी के इमीडिएट राइट कब होगा, जब आईसीआईसीआई यहाँ पे होगा, आईसीआईसीआई यहाँ पे होगा तो यूबीआई उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा, आईसीआईसीआई यहाँ होगा तो यूबीआई उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा। दो डायग्राम, आईसीआईसीआई अगर यहाँ पे होगा तो यूबीआई उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा, आईसीआईसीआई यहाँ होगा तो यूबीआई इमीडिएट राइट, है ना, सेम यहाँ पे आ जाएगा आईसीआईसीआई यूबीआई। चार डायग्राम हो गए हमारे पास, आगे आए तो यूबीआई आईसीआईसीआई यहाँ नहीं है तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई के लिए यहाँ मैं बात करूँ तो ये अगर आईसीआईसीआई है तो यूबीआई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आईसीआईसीआई होना चाहिए था, ये डायग्राम भी गलत हो गया। आगे चलें तो इस वाले डायग्राम की बात करें तो यूबीआई है, आईसीआईसीआई ये भी नहीं हो सकता, ये डायग्राम भी गलत हो गया, और यूबीआई ये है तो आईसीआईसीआई ये होगा, तभी आपके पास में काम होगा। तीन डायग्राम हट गए। अब देखो यूबीआई के केस में कितने डायग्राम बचे मेरे पास, टोटल पांच डायग्राम बचे, बाकी सारे के सारे डायग्राम मेरे पास हट गए। तो जो डायग्राम हटते जा रहे हैं हम उन्हें हटाते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उन डायग्राम को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा जल्दी और कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, जिन्हें आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि सबको उसी तरीके से आए और सब यही कहें कि बस सर ये तो हम कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन नीड हमारे पास है अभी समझाने की, क्योंकि ऐसे जो बड़े डायग्राम होते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब टोटल कुल मिला के आपके पास पाँच डायग्राम बचे हुए हैं। ठीक है, उन पाँचों डायग्राम को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HDFC का हो गया। अब देखो ICICI की जो कंडीशन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं UBI वाली। अब नीचे एक कंडीशन दी हुई है कि 1% सिट बिटवीन टॉम एंड ICICI, टॉम और ICICI के बीच में एक है। अच्छा, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो टॉम यहाँ नहीं आ सकता, तो टॉम को यहाँ आना पड़ेगा, तो टॉम और ICICI के बीच में एक हो जाएगा। टॉम ऊपर नीचे कहीं नहीं आ सकता क्योंकि ICICI यहाँ है और यहाँ प्रिया और माइक है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, अच्छा आईसीआईसी यहाँ है तो यहाँ प्रिया बैठा है, तो यहाँ पे किसको होना पड़ेगा, टॉम को होना पड़ेगा। आईसीआईसी यहाँ है तो यहाँ पे किसको होना पड़ेगा, टॉम को होना पड़ेगा। और इस वाले डायग्राम की बात करूँ तो आईसीआईसी यहाँ है तो टॉम को यहाँ होना पड़ेगा क्योंकि एक का गैप है। ठीक है, तो मेरे पास अब केवल चार डायग्राम बचे हैं, बाकी सारे डायग्राम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बात समझ में आ रही है ये क्यों जरूरी है, ताकि हमारे पास जितना भी गैप था वो हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर जो जो भी हटता जा रहा है हम उन्हें हटाते जा रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट कंडीशन की बात अगर हम चेक करते हैं तो देखो कौन कौन सी कंडीशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारी कंडीशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है बॉब और सिट, इसके बीच का काम हो चुका है, और टॉम की बात करें तो टॉम इज नाइदर 48 नॉर वर्क इन HDFC। अब देखो ये कंडीशन हमारा काम क्लियर कराएगी, HDFC में टॉम नहीं है, तो जहां भी HDFC के साथ टॉम का रिलेशन है वो हटा दो, क्योंकि किसी एक में टॉम HDFC के साथ आएगा। आ गया, तो ये डायग्राम गलत हो गया, तो टॉम HDFC में नहीं है। इसका मतलब अब मेरे पास केवल और केवल तीन डायग्राम बचे हैं जो मुझे रिमूव करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास तीन डायग्राम है, अब तीन को दो बनाना है, दो को एक बना के हमारी पजल को क्लियर करना है हमें। ठीक है, चलिए, अब टॉम की कंडीशन क्लियर हो गई कि टॉम किस में नहीं है, HDFC में नहीं है।
चलिए अब आगे आते हैं। आगे यदि मैं आता हूं तो आगे देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ जय इज 42। एज की जय कितनी है, 42 है, एंड सिट एडजेसेंट टू द वन हु वर्क इन सीबीआई। तो सीबीआई के पास बैठा है जय, तो सीबीआई के पास जय बैठा है। तो देखो सीबीआई इन तीन डायग्राम में कहां कहां आ सकता है, ये सीबीआई में से कोई भी यहां नहीं आ सकता, ठीक है, ये सब भरे हुए हैं। तो सीबीआई यहां आएगा तो उसका एडजेसेंट जय नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों जगह टॉम और प्रिया हैं। अगर सीबीआई यहां आता है तो उसका एडजेसेंट जय यहां पे हो जाएगा, इसका मतलब सीबीआई को यहीं आना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई जब यहां आएगा तो जय की जगह ये बन पाएगी, ठीक है। सेकेंड डायग्राम में देखो ये पूरा भरा हुआ है, सीबीआई के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। अगर मैं सीबीआई को यहां रखता हूं तो जय यहां आ सकता है, बस सीबीआई को यहां रखता हूं तो जय यहां आ सकता है, ठीक है। तो सीबीआई और जय के रिलेशन में यहां दो केसेस बन पा रहे हैं, सीबीआई को यहां रखेंगे तो जय नीचे भी जा सकता है और सीबीआई को यहां रखेंगे तो जय ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। इस वाले डायग्राम की बात करते हैं, ये सब भरा हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है। केवल ये है सीबीआई यहां रखते हैं तो जय नीचे ही आ पाएगा और कहीं नहीं आ पाएगा, और सीबीआई यहां रखते हैं तो जय कहीं भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब सीबीआई को यहां रखना पड़ेगा, जब मैं सीबीआई को यहां रखूंगा तो जय केवल यहां पे आ पाएगा। बात समझ में आ रही है, और इस केस के लिए मुझे अभी भी चेक करना पड़ेगा कि सीबीआई और जय के बीच में क्या रिलेशन करना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे सीबीआई अगर मैं इधर रख देता हूं तो जय नीचे आ जाएगा और सीबीआई इधर रख देता हूं तो जय ऊपर आ जाएगा। चलिए सीबीआई और जय हो गया, सीबीआई और जय में जय की जो एज है वो 42 है, तो जय की एज 42 है तो उसको मेंशन कर दो यहां पे कि जय की एज कितनी है 42, जय की एज कितनी है 42, ठीक है। और यहां मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं अभी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास में अगर हम चेक करें तो कौन सी कंडीशन ऊपर बची हुई है, जरा चेक कर लेते हैं। द वन हु वर्क इन पीएनबी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ माइक हु वर्क इन बीओबी, एज ऑफ द वन हु वर्क इन पीएनबी इज नॉट 36, पीएनबी की 36 नहीं है, माया नाइदर एडजेसेंट टू द वन हु इज 31 और नॉट इन पीएनबी, ये हो चुका है। एज ऑफ सैम इज नाइदर 53 नॉट वर्क इन यूबीआई, सैम यूबीआई में काम नहीं करता। तो सैम अगर यूबीआई में काम नहीं करता तो सैम की कंडीशन कहां बन पाएगी, देखो सैम यूबीआई में काम नहीं करता तो सैम के लिए जगह तीन बची है यहां पे, ठीक है। तो यूबीआई नहीं है तो तीन जगह यहां बची हुई है, सैम के लिए यूबीआई नहीं है तो एक दो दो जगह यहां पे सैम के लिए बची हुई है अभी भी, ठीक है। और सैम के लिए यहां बात करें तो सैम के लिए एक दो तीन, यहां तीनों जगह पे सैम के लिए तीन जगह हैं जिसमें से यूबीआई नहीं है, ठीक है। चलिए इसको अपने पास रखते हैं, आगे देखते हैं। द वर्क द वन हु वर्क इन यूबीआई सीट इमीडिएट, राइट, ये हो गया हमारे पास में। और आगे दिया हुआ है एज ऑफ द वन हु वर्क इन बीओबी इज 31 एंड सिट एट अ गैप ऑफ 2% फ्रॉम द वन हु वर्क इन यूबीआई, ठीक है, 2% के गैप से बैठा हुआ है। 1% की कंडीशन हो गई, द एज ऑफ द वन हु वर्क इन पीएनबी इज दिस, एज ऑफ द टॉम इज नाइदर 48 नॉट वर्क इन एसबीआई, ठीक है, एचडीएफसी। एज ऑफ द जय हो गया एंड इज एडजेसेंट टू द वन हु वर्क इन सीबीआई, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, माया वाली कंडीशन हम कर चुके हैं। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन ऑफ एचडीएफसी, द वन हु वर्क इन एसबीआई, ये भी हम कर चुके हैं, नाइदर एडजेसेंट नॉट दिस। आगे चलें तो देखो एक 39 वाला है, जो 39 वाला है एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन एसबीआई, एसबीआई के सेकंड टू द लेफ्ट में 39 है, तो एसबीआई के सेकंड टू द लेफ्ट इधर होगा, देखो एसबीआई अंदर देख रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा 39 होना चाहिए लेकिन आ कौन रहा है 42, इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया, बात समझना, ठीक है। एसबीआई के सेकंड टू द लेफ्ट में 32, तो एसबीआई के सेकंड टू द लेफ्ट में ये आ गया 32, 32 ही था, देखो जरा 39 कितना आ जाएगा 39, बात समझ में आ रही है आप सबको, तो 39 आ गया यहाँ पे। और इधर की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई कहां बैठा हुआ है, एसबीआई के सेकंड टू द लेफ्ट में ये 42, क्लियर हो गई बात। दो डायग्राम तुरंत प्रभाव से गलत हो गए, और जब एक डायग्राम बचा है ना इसमें भी दो वेरिएबल बन रहे हैं, आपको ध्यान है, बस वो दो ही वेरिएबल हमें चेक करने हैं, वो चेक करते ही हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसी की दो पॉसिबिलिटी अब मुझे बनानी है जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास में, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में अभी जय की कंडीशन आई थी, ध्यान है आपको, जय और किसकी बात की जा रही थी, अगर आपको याद हो तो हमारे पास में बात की जा रही थी जय के साथ में, ये देखिए यहाँ पे थी जय की कंडीशन कि जय हमारे पास में किसका पड़ोसी है, जय इज एडजेसेंट टू द वन सीबीआई, जय और सीबीआई, ठीक है। तो दो डायग्राम बन रहे हैं, अगर मैं जय को यहाँ ले रहा हूँ, एक मिनट, अगर मैं जय को यहाँ ले रहा हूँ, ये अगर जय है, ठीक है, तो सीबीआई कहाँ आ जाएगा, सीबीआई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस यहीं पर बना देता हूँ मैं, दूसरा केस क्या हो गया मेरे पास में, दूसरा केस ये हो गया कि ये तो हो गया माइक जो कि बॉब है जो 31 है, ठीक है, और ये एचडीएफसी है, ठीक है, ये मेरे पास में टॉम है, ठीक है, ये मेरे पास में माया है, ठीक है, ये मेरे पास में आईसीआईसीआई है,
ठीक है, ये मेरे पास में UBI जो 39 है, ठीक है, ये प्रिया है जो कि PNB में काम करती है, ठीक है, और ये SBI है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जय को यहाँ बैठाया था, एक में जय को यहाँ भी बैठा सकता हूँ ना, अगर जय को यहाँ बैठाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CBI। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आपको दिया हुआ है, देखो जय वाली कंडीशन हमारे पास में क्लियर हो गई, 39 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन SBI, द वन हु वर्क इन CBI से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रिंकू, रिंकू के थर्ड टू द लेफ्ट CBI है, ठीक है। तो CBI ये है, रिंकू के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो रिंकू अगर यहां होगा तो राइट हो जाएगा, तो रिंकू को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो रिंकू फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट CBI, तो ये क्या हो गया, रिंकू हो गया, ठीक है। और अगर मैं रिंकू की बात करता हूं और मुझे किसकी बात करनी है, CBI की, तो CBI के केस में रिंकू यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां से प्रिया बैठी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट होगा और ये राइट हो जाएगा, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत। प्रिया बैठी है फर्स्ट सेकंड थर्ड CBI, थर्ड टू द लेफ्ट है, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास में, गलत। तो इस वाले डायग्राम को भी मैं क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। अब केवल और केवल एक डायग्राम है और कंडीशंस भी कम है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो चुका है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसी वाली कंडीशन को। इसी वाली कंडीशन में अब मुझे क्या क्या चाहिए ये देख लेता हूं मैं। देखो इस वाली कंडीशन के अंदर मेरे पास में दो लोग नहीं है, दो लोग की कमी है, बाकी सारे लोग आ चुके हैं, बैंक आ चुकी है, बैंक एक नहीं है, बाकी सारी बैंक है मेरे पास। तो जो बैंक नहीं है वो वाली बैंक हम उठा लेते हैं, तो BOM हमारे पास में नहीं है, तो माया को BOM मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी बैंक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। अब BOM वाली जो बैंक है वो कंडीशन हमें सपोर्ट करेगी, किस तरीके से करेगी ये देखते हैं। तो BOM जहां जहां भी दिया हुआ है वहां पे उठा लो, ठीक है। अब देखो, रिंकू डैश वर्क इन SBI एंड सिट एट अ गैप ऑफ 2% फ्रॉम द वन हुज एज इज 36, ठीक है। डैश वर्क, तो SBI की बात हो रही है, कोई भी डैश हो हमें नहीं पता, ठीक है, जो SBI में काम करता है उसके बीच में दो लोगों का गैप है, किसके साथ में, जो 36 है, तो 36 और SBI के बीच में दो का गैप है, SBI ये है, ठीक है, दो के गैप से 36 ये हो सकता है और दो के गैप से 36 ये हो सकता है, तो SBI और 36 के बीच में क्या है, दो का गैप है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान हो तो जय के लिए बोला गया था कि वो 42 है, तो जय के लिए यहाँ पे मैं 42 मेंशन कर देता हूँ, तो 42 39 दो मेरे पास में आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, सैम की बात की गई थी, क्या कहा गया था कि सैम 56 नहीं है और UBI में काम नहीं करता, तो सैम 56 नहीं है और UBI में काम नहीं करता, तो UBI में अगर वो काम नहीं करता तो सैम के लिए दो जगह हैं, एक तो SBI और एक ICICI, बाकी सारी जगह भर चुकी हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, 56 भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो 2 का गैप है SBI और 36 में, तो दो डायग्राम यहाँ पे हो गए, SBI और 36 ICICI भी हो सकता है दो के गैप से, और दो के गैप से या टॉम भी हो सकता है। देखो आगे देखते हैं, कुछ क्लियर हो नहीं तो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। द वन हु वर्क इन BOM एंड द वन हुज एज इज 58 सिट टुगेदर, सिट टुगेदर मतलब एक साथ, BOM और 48 एक साथ हैं, तो BOM और 48 एक साथ हैं, तो यहाँ पे भी आ सकता है 48 और यहाँ पे भी आ सकता है, चलो ठीक है, ये कंडीशन भी आ गई, ठीक है। द वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज 23 एंड अजीत, अच्छा अब अजीत नया आया है, अजीत और 23 के बीच में एक है, अजीत और 23 के बीच में एक है और जगह दो ही हैं, अजीत अगर यहाँ आता है तो 23 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, है ना, और अजीत अगर यहाँ आता है तो 23 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों जगह भरी हुई है, क्योंकि 23 यहाँ 43 है और यहाँ 39 है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अजीत आ जाएगा, और जैसे यहाँ अजीत आ जाएगा तो वन के गैप से या तो यहाँ पे 23 आएगा या यहाँ पे 23 आएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए 23 को हम होल्ड पे डालते हैं, अजीत हुज एज इज 48, अच्छा अजीत की एज 48 हो गई, तो अब समझ में आ गई होगी आपको पूरी कहानी कि SBI के साथ बोला गया था कि BOM एंड वन हुज एज इज 48 इज टुगेदर, ये टुगेदर हो गए, और उससे पहले बोला गया था SBI और 36 के बीच में 2% का गैप है, तो SBI ये रहा, 36 ये हो नहीं सकता, इसका मतलब दो के गैप से ये क्या हो जाएगा, 36। देखो ये सेट पूरा हो गया, ये सेट पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये वाला सेट पूरा हो गया और ये वाला पूरा हो गया, अब हमारे पास में केवल तीन सेट बचे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो लिखा हुआ है एज ऑफ द वन हु वर्क इन BOM इज ट्वाइस एट द एज ऑफ द वन SBI, SBI का दुगना है BOM, तो BOM SBI का दुगना है, ठीक है, हमारे पास कोई एज नहीं थी लेकिन वो इसका दुगना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में कंडीशन ओवर हो चुकी है लेकिन एक आध कंडीशन हमारे पास ऐसी होगी जो हमें काम कंप्लीट कराएगी, तो 36 हो गई, BOM और 48 सिट टुगेदर, द वन हु वर्क इन, हाँ अजीत और 23, अब देखो अजीत और 23 में से कितने का गैप है, अजीत और 23 में से
दो का गैप है कि एक का है, देखो वन पर्सन सिट बिटवीन अजीत एंड 23, तो देखो अजीत और 23 में, अजीत के साथ में 23 यहां तो नहीं आ सकता, तो 23 यहां आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेरे पास में कौन बचा है, टोटल 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए, दो बचे हैं, एक तो उसमें माया है और एक व्यक्ति और होगा कोई, मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ दिखा हुआ है एज ऑफ द वन हु वर्क इन बीओ इज ट्वाइस एट द एज ऑफ एसबीआई, एसबीआई की एज की दुगनी है बीओएम की, तो यही दो बचे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 42 हमने कंसीडर कर लिया, 48 कर लिया, 31 बीओबी 31 है, तो बीओबी 31 है, ये भी हम कंसीडर कर चुके हैं। ठीक है, और देखिए, देखो एज ऑफ सैम इज नाइदर 56 नॉर वर्क इन यूबीआई, अच्छा सैम की एज 56 नहीं है, तो सैम की एज 56 नहीं है तो सैम के लिए जगह ही अब कितनी बची है, एक ही तो बची है, ये आ जाएगा सैम, और उसकी 56 नहीं है तो 56 होगी किसकी, इसकी, और ये दुगना है, माया जो है बीओएम जो है वो ट्वाइस है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 56 का, 28, तो यहां पे क्या आ जाएगा 28। अब कोई भी केस बचा है हमारे पास में, कोई केस नहीं बचा हुआ, अब वो जो भी क्वेश्चन यहां मेरे से पूछेगा मैं उस सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूं, जैसे दिया हुआ है द वन हु वर्क इन यूबीआई सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क इन आईसीआई हुज एज इज, तो आईसीआईसी की एज मैं यहां से बता सकता हूं कि आईसीआईसी वाले की एज 48 है। बात समझ में आ गई, तो ये हमारा डायग्राम है, और क्वेश्चन सीरियसली बहुत अच्छा था। ठीक है, हमें थोड़ी सी इसमें मेहनत करने की जरूरत थी, टोटल 7 से 8 डायग्राम इसके अंदर हमें बनाने पड़े, नहीं बना पाओगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस एक यही पजल करेंगे, काफी अच्छी थी, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और अच्छी पजल आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि अब मैं जितने भी सीजन आपके साथ शेयर करूंगा या जितनी भी क्लासेस आपके साथ लूंगा उनमें मैं अच्छे लेवल के पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, 2-3 दिन 4 दिन बाद हम लोग मिले हैं, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। वीडियो को लाइक और कमेंट वीडियो पे करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।